भाई 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए आपको काम करना है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझौता। नीतीश जी से तो कुछ हो नहीं रहा, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इकबाल खत्म हो चुका है ना मुख्यमंत्री जी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही नीतीश पर फायर हो गए। जी हां, सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है और जैसा हम पहले कहे थे कि झारखंड का चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। चारों जो सीट जो महागठबंधन का रहा है, हमको लगता है कि चारों सीट महागठबंधन जो है उपचुनाव बिहार का, वो चारों सीट हम लोग जीतेंगे। और ये चारों सीट जो है लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने लीड किया था, जीता था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो एनडीए को सांप्रदायिक बता रहे हैं वो अपने गृहवन में जाके 2005 से पहले कितने सांप्रदायिक दंगा हुआ करता है। अरे आप देखिए, नीतीश जी ने ही तो आरएसएस और बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं बिहार में, नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। आप लोगों का बयान नहीं सुनते हैं क्या? आपको बयान से और उनके करतूत से नहीं लगता कि वो सांप्रदायिक थे? पढ़ाई की बात नहीं, दवाई की बात नहीं, शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं, नौकरी रोजगार महंगाई गरीबी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसलिए चुने नेता बने हैं क्या? काम करना है ना, काम क्या चीज़ में कीजिएगा आप? काम करोगे आप, सरकार में है तो आप काम कीजिएगा ना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाओगे। ये तो लोगों के खून से खेलना चाहते हैं ये लोग, और नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को सुरक्षा देते हैं? नफरत की भाषा जो ये लोग कह रहे हैं, बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गौडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही ना, नीति है ना सिद्धांत है ना विचारधारा है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझौता। मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम करे, मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम। अरे भाई, कौन क्या किया नहीं किया, इतना काम किया कि वक्त बोर्ड का समर्थन कर दिए नीतीश कुमार ने, CANRC का समर्थन कर दिया नीतीश कुमार जी ने, है ना? आप सब लोगों को जानना पड़ेगा भाई, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए आपको काम करना है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो या मुसलमान भाई हो, सबके लिए ना आपको काम करना है। लेकिन आप लोग तो जान ही रहे हैं, नीतीश जी से तो कुछ हो नहीं रहा, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और क्या हो रहा है? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, हत्या इतनी बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर इकबाल खत्म हो चुका है ना मुख्यमंत्री जी। तो सुना आपने, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाले कौन है? सीएम नीतीश कुमार है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, CANRC का समर्थन किया। तो ये लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं। नीतीश पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव का, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया कि सत्ता का सुख भोगने के लिए नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं। तो बड़ा हमला तेजस्वी यादव का। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में तो वो जीत ही रहे हैं, साथ ही बिहार की जो चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी चारों की चारों सीट हम जीतेंगे, तेजस्वी ने दावा किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी का दावा कहां तक सच होता है, क्या चार की चार सीट महागठबंधन जीत जाने में सफल हो पाती है या फिर चार में से कितनी सीट जीतती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है तेजस्वी का। चार में से तीन सीट महागठबंधन के ही खाते में है, तो अब उन तीन सीटों को बचाने में सफल हो पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही नीतीश पर जिस तरीके से हमला बोला है तेजस्वी ने, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है, ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।